सरकारी कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम से हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल करने की कवायद राजस्थान से शुरू हुई थी। राजस्थान वो राज्य था जहां सबसे पहले सभी कर्मचारियों के लिए गहलोत सरकार इसे लागू किया गया था। अब इस स्कीम के क्या हाल है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के विधानसभा चुनावों का मुख्य मुद्दा बनी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने में कांग्रेस शासित राज्य ही पिछड़े हुए हैं। वहीं राजस्थान में इस स्कीम को देश भर में सबसे बेहतर तरीके से लागू किया गया है। प्रदेश में अशोक गहलोत सरकार ने 19 मई 2022 को 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए कार्मिकों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम देने का फैसला कर अधिसूचना जारी की थी। बाद में 2023 में इस दायरे में स्वायत्त शासी संस्थाओं के कार्मिकों को भी ले लिया गया था। स्कीम लागू होने के बाद से लेकर 31 मई 2024 तक इस कैटेगरी के 2218 कार्मिकों की ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में स्वायत्त शासी संस्थाओं के कर्मचारी लगातार इस स्कीम में शामिल करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वहां भाजपा इस मुद्दे को लेकर लगातार हमला बोल रही है। वहीं कर्नाटक में बड़ी जद्दोजहद के बाद इस साल जनवरी के अंत में इस स्कीम को लागू किया गया है, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। इसका असर वहां लोकसभा चुनाव के परिणाम में देखने को मिला। गहलोत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सेवानिवृत्त होने का अनुमान लगाकर 946 कार्मिकों के लिए बजट का प्रावधान किया था, लेकिन अब इस संख्या से दो गुना से ज्यादा 2218 कार्मिक इस पेंशन का लाभ ले रहे हैं। ओपीएस स्कीम लागू करने के बाद राजस्थान सरकार को अंशदान की बचत भी हो रही है, क्योंकि कार्मिक और राज्य सरकार को मिलाकर मूल वेतन का 24% अंशदान एनपीएस ट्रस्ट और पीएफआरडीए में जमा करना पड़ता है। इस पेटे अब तक राज्य सरकार को करीब 9000 करोड़ की बचत हो चुकी है। हालांकि कर्मचारियों का 40000 करोड़ से भी ज्यादा का अंशदान केंद्रीय एजेंसी के पास पड़ा हुआ है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लोकसभा चुनाव से पहले जिस भी राज्य में चुनाव हुआ वहां पर एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आई थी। राजस्थान से चालू हुई ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग लगभग हर राज्य के कर्मचारी लगातार करते रहे। हैरान कर देने वाली बात यह कि जहां अब कांग्रेस शासन है, चाहे कर्नाटक हो या हिमाचल, कांग्रेस के इस मुद्दे को लागू करने में कमजोर साबित हो रही है। वहीं राजस्थान में हालांकि सत्ता परिवर्तन हो चुका है, उसके बावजूद भी यहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरे प्रभावी तरीके से लागू किया गया है। यही नहीं, जो अशोक गहलोत सरकार थी उसने जिन 30 कर्मचारियों को लेकर बजट प्रावधान किया था उससे दुगने से भी ज़्यादा कर्मचारी और उनके परिवारों को राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलने लगा है। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ पंकज सोनी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।